मुस्लिम क्षेत्रों में गुम हो चुके मंदिरों को खोजने की शुरुआत महापौर प्रमिला पांडे ने की, तो एक के बाद एक मंदिर सामने आने लगे। इन मंदिरों की मूर्तियों को गायब कर दिया गया। मंदिर के गर्भगृह में घरेलू उपयोग का सामान भर दिया गया। कुछ लोगों ने मंदिर को ही घर बनाकर रहना शुरू कर दिया और मंदिर के परिसर में बिरयानी होटल खोल दिया। दीवार तोड़कर एसी लगवा दी। महापौर प्रमिला पांडे ने बुधवार को कर्नलगंज एसीपी त्रिपुरारी पांडे के साथ मुस्लिम क्षेत्रों में स्थित मंदिर को देखा। उन्होंने कर्नलगंज छिपियाना और चूड़ी बाजार में स्थित 10 मंदिरों का निरीक्षण किया, जिसमें 5 दुर्गा मंदिर, 4 शिव मंदिर और 1 हनुमान मंदिर को देखा। छिपियाना में स्थित मंदिर को कब्जा कर घर बना लिया गया था। महापौर अंदर गई तो मंदिर के गर्भगृह में गृहस्थी का सामान रखा पड़ा मिला। कर्नलगंज के इंदिरा मार्केट में 2 मंदिरों का हाल देखा तो यहाँ शिव मंदिर में शटर लगा हुआ था जिसमें ताला लगा था, जिसे महापौर ने खुद ही ईंटे से तोड़ दिया। महापौर अंदर गई तो एसी के 4 आउटडोर यूनिट लगे मिले। यहाँ शिवलिंग को पूरी तरह से हटा दिया गया था। यह मंदिर लक्ष्मीधर ट्रस्ट के नाम है, जिसकी ट्रस्टी हरदयाल अग्रवाल प्रभु दयाल अग्रवाल है। कर्नलगंज के ही राधा माधव मंदिर के बाहर कब्जा करके बिरयानी की दुकान चलते मिली। यहाँ एक मंदिर रखरखाव न होने के कारण जर्जर हो गया। इसके बाद महापौर ने कर्नलगंज क्षेत्र के चूड़ी महल स्थित 2 पुराने मंदिरों को देखा। एक मंदिर की जगह पर निर्माण और होटल बना लिया। इसके अलावा होटल के तहखाने में कारखाना चलता मिला। ऊपरी मंजिला में घर बना था। इसके अलावा 2 अन्य मंदिरों को तोड़ दिया गया। मंदिर के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई ताकि बाहर से यह न दिखाई दे। मंदिर परिसर में गंदगी भरी पड़ी मिली। कूड़ा मिलने से साफ है कि आसपास के लोग इसमें कूड़ा फेंकते हैं। महापौर ने कहा कि इन मंदिरों को सुरक्षित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।